नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DFA की डिजाइनिंग। जब भी आप DFA डिजाइन करें तो आपको तीन बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात कि DFA की डिजाइनिंग में एप्सिलॉन ट्रांजिशन आपको यूज़ नहीं करना है। सेकंड, DFA की डिजाइनिंग में डैड मूव्स यूज़ नहीं करने हैं। DFA की डिजाइनिंग में आपको किसी स्टेट पर इनपुट अप्लाई करना है, आप मल्टीपल स्टेट्स में आपको मूव नहीं करना है। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम DFA को डिजाइन करते हैं। चलिए पहला बेसिक क्वेश्चन, L1 एक लैंग्वेज है फाई, इट इज़ एम्प्टी लैंग्वेज, इसके लिए आपको DFA डिजाइन करना है। सो इस लैंग्वेज के अंदर एक भी स्ट्रिंग नहीं है, दैट इज एम्प्टी लैंग्वेज। एम्प्टी लैंग्वेज के लिए DFA कैसे डिजाइन हो, आप एक स्टेट बनाइए, दैट इज दिस इज क्यू नॉट स्टेट, और इनिशियल बना दिया। फाइनल स्टेट, अगर किसी DFA के अंदर फाइनल स्टेट नहीं है तो वो DFA क्या एक्सेप्ट करेगा, फाई एम्प्टी लैंग्वेज। सो ये फाई एम्प्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, बट अभी ये DFA नहीं है बिकॉज इसके अंदर डेड मूव्स हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एम्प्टी लैंग्वेज, L1 एक लैंग्वेज है एम्प्टी लैंग्वेज, इसके लिए आपको DFA डिजाइन करना है। दोस्तों किसी भी DFA से एम्प्टी लैंग्वेज कब एक्सेप्ट होगी, अगर उस DFA के अंदर फाइनल स्टेट नहीं होगी तो वो DFA क्या एक्सेप्ट करेगा, एम्प्टी लैंग्वेज। और ऐसा मिनिमम DFA क्या होगा, आप एक स्टेट को बनाइए, इनिशियल स्टेट, और ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, फाई और एम्प्टी लैंग्वेज, बट अभी ये DFA नहीं है बिकॉज इसके अंदर डेड मूव्स हैं। तो डैड मूव्स को रिमूव कर दीजिए, ए बी। नाउ ये DFA बन गया, ये DFA क्या एक्सेप्ट कर रहा है, फाई लैंग्वेज, L1 के करस्पॉन्डिंग DFA। एंड नाउ नेक्स्ट इज L2 इक्वल्स टू, दोस्तों आपको एक ऐसा DFA डिजाइन करना है जो L2 लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। L2 लैंग्वेज का मीनिंग है कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो DFA इसके लिए कैसे डिजाइन हो, इट इज इनिशियल स्टेट, लेकिन इस पर आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि DFA के अंदर एप्सिलॉन मूव्स आपको यूज नहीं करना है, इट इज नॉट अलाउड इन DFA। देन किस तरह से इसको बनाया जाए, सो एम्प्टी लैंग्वेज के लिए, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉट एम्प्टी लैंग्वेज, इट इज एम्प्टी लैंग्वेज, इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर किसी लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका DFA जब आप डिजाइन करेंगे तो इनिशियल स्टेट को ही आप फाइनल स्टेट बना दें। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज फॉर एम्प्टी एक्सेप्टेंस, एम्प्टी स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस है। अगर इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है तो ये ऑटोमेटा क्या एक्सेप्ट करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। बट माई डियर अभी ये DFA नहीं है बिकॉज इसके अंदर डेड मूव्स हैं। सो डेड मूव्स को कैसे रिमूव किया जाए, सर डेड मूव्स अगर आप ए और बी का लूप इस पे लगा देंगे तो ये एम्प्टी नहीं, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, इट एक्सेप्ट ए प्लस बी का होल स्टार। लेकिन आपको किसके लिए डिजाइन करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग, L2 लैंग्वेज के लिए, और L2 लैंग्वेज में एक ही स्ट्रिंग है, दैट इज एम्प्टी। तो ये रिप्रेजेंटेशन ए प्लस बी का होल स्टार है तो ये नहीं है। तो सर इसके लिए कैसे डिजाइन किया जाए, इनिशियल स्टेट ये फाइनल है, इट एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, बट ये DFA नहीं है बिकॉज डेड मूव्स हैं। तो डेड मूव्स के साथ आपको ट्रैप स्टेट इसमें बनाना पड़ेगा, तो ए और बी के साथ आप ट्रैप स्टेट में जाइए। एंड ट्रैप स्टेट पर ए और बी के साथ ट्रैप स्टेट, दोस्तों ये DFA एक्सेप्ट कर रहा है ओनली एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड ए एंड बी के साथ आप नॉन फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, सो इट एक्सेप्ट ओनली एम्प्टी स्ट्रिंग L2 लैंग्वेज। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
sigma equals to a comma b and L3 एक language है, इसके अंदर एक ही string है, इस a, b, b, इस single string के लिए आपको DFA design करना है. तो देखिए, इस single string को जब भी आप accept कराएंगे, तो from a input के साथ forward direction में आगे जाइए, b पे आप आगे बढ़िए, again b पे आप आगे बढ़िए and final state बना दीजिए. स्मॉल ए इनपुट नेक्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और पहला ही इनपुट अगर बी हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा सीक्वेंस, तो आप ट्रैप स्टेट में चले जाइए. नाउ इस पर बी इनपुट अप्लाई किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ जाइए फाइनल स्टेट की तरफ, यस ए बी. बट इस स्टेट पर अगर आपका ए इनपुट आता है तो सीक्वेंस गलत आएगा, क्योंकि नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, बी. Q1 स्टेट पर अगर ये इनपुट है तो आप ट्रैप स्टेट में आ जाइए. नाउ Q2 स्टेट पर अगर B इनपुट मिल जाता है तो यस A B B एंड दिस Q3 इट इज फाइनल स्टेट. बट Q2 स्टेट पर अगर A आएगा तो ये गलत हो जाएगा सीक्वेंस, तो A के साथ ट्रैप स्टेट. एंड Q3 फाइनल स्टेट पर स्मॉल A B के साथ क्या किया जाए, देखिए A B B सिंगल स्ट्रिंग आपको एक्सेप्ट करनी है, तो Q3 स्टेट पर ए बी के साथ आपको ट्रैप स्टेट में आना है. सो ये DFA डिजाइन हो गया, इट ये एक्सेप्ट कर रहा है L3 लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज के अंदर एक ही स्ट्रिंग है ए बी बी. नेक्स्ट L4 लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स set of all strings of length 2 over sigma. What is sigma? Sigma equals to a comma b. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले आप लैंग्वेज निकालिए कि इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या है, और उस लैंग्वेज के लिए आपको डिजाइन करना है. सो L4 के अंदर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर सिग्मा, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है, 2 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स में डिजाइन हो सकती है, ए ए बी बी ए बी बी. सो देखिए, ये इट इज़ फाइनाइट लैंग्वेज बिकॉज 4 स्ट्रिंग है, L4 इट इज़ ए फाइनाइट लैंग्वेज. इस फाइनाइट लैंग्वेज में पहला कैरेक्टर ए भी है और सेकंड कैरेक्टर ए है. पहला कैरेक्टर ए, सेकंड कैरेक्टर बी, फर्स्ट कैरेक्टर बी, सेकंड कैरेक्टर ए एंड फर्स्ट कैरेक्टर बी, सेकंड कैरेक्टर बी. तो ये सारी स्ट्रिंग आपको एक्सेप्ट करानी है, इसके अलावा अगर कोई भी सीक्वेंस है तो वो सारी आपको रिजेक्ट करानी है. तो देखिए, ए से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से भी स्टार्ट हो सकता है, नेक्स्ट कैरेक्टर ए भी हो सकता है, नेक्स्ट कैरेक्टर बी भी हो सकता है. तो कैसे डिजाइनिंग हो, क्यू नॉट स्टेट, एक इनिशियल स्टेट लीजिए, फर्स्ट कैरेक्टर ए एंड बी दोनों हो सकते हैं, नेक्स्ट स्टेट में आ जाइए, एंड सेकंड कैरेक्टर ए और बी ये भी दोनों हो सकते हैं, नेक्स्ट स्टेट में आ जाइए, एंड इट इज फाइनल स्टेट. देखिएगा, ए ए यस एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए एक्सेप्ट हो रहा है. सो ये DFA, अभी ये DFA नहीं है, इट इज़ ए फाइनाइट ऑटोमेटा, ये 4 स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, बट इट इज़ नॉट DFA बिकॉज Q2 स्टेट पर डेड मूव्स हैं, Q2 स्टेट पर A और B का मूव्स डिफाइन नहीं है. तो डेड मूव्स को रिमूव कर दीजिए. कैसे रिमूव होगा, आपको एक ट्रैप स्टेट बनाना पड़ेगा इसके लिए. सो Q3 एक ट्रैप स्टेट बनाइए एंड इस पर A और बी के साथ ट्रैप स्टेट में मूव करिए, एंड ट्रैप स्टेट पर ए और बी के साथ ट्रैप स्टेट. नाउ इट इज DFA फॉर L4 लैंग्वेज. सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ ए ओवर सिग्मा. तो देखिए, L5 लैंग्वेज में बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं जो ए से स्टार्ट हो रही हैं. ए से स्टार्ट होने का मीनिंग ये है कि पहला कैरेक्टर ए एंड इसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो. इसका मीनिंग ये है कि ए ए प्लस बी का होल स्टार, फर्स्ट कैरेक्टर ए, ए फॉलोड बाय एनीथिंग. तो बेटा, जब भी इस तरह से दिया जाए तो पहले लैंग्वेज आप निकालिए कि L5 लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होंगी. तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होगी, इट इज स्मॉल ए.
next is AA, next AB, AAA, AAB, ABB, ABA, dot dot dot, all infinite string. जब भी लैंग्वेज इन्फाइनाइट लैंग्वेज हो, अगर कोई लैंग्वेज इन्फाइनाइट लैंग्वेज, इसके लिए आपको DFA डिजाइन करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए, फर्स्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए डिजाइन करिए एंड देन उसके बाद डेड मूव्स को रिमूव कर दीजिए। तो बेटा L5 लैंग्वेज के अंदर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है? स्मॉल ए। सो स्मॉल ए के लिए किस तरह से डिजाइन होगा? ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है? स्मॉल ए, बट इट इज़ नॉट DFA, बिकॉज डेड मूव्स हैं, इस पर बी का मूव्स डिफाइन नहीं है, इस पर ए और बी का मूव्स डिफाइन नहीं है, तो डेड मूव्स के साथ क्या किया जाए? डेड मूव्स कैसे रिमूव होगा? डेड मूव को रिमूव करने के लिए आपको ट्रैप स्टेट बनाना पड़ेगा। सो देखिए, क्यू नॉट स्टेट पर अगर बी इनपुट आता है तो आपका स्टार्टिंग कैरेक्टर बी हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा पूरा सीक्वेंस, तो बी के साथ आप ट्रैप स्टेट में आ जाइए और ट्रैप पर ए और बी के साथ ट्रैप स्टेट। नाउ क्यू नॉट स्टेट पर ए इनपुट अप्लाई करके नेक्स्ट इज क्यू वन स्टेट, आप फाइनल स्टेट पे आ गए और स्टार्टिंग ए से हो चुकी है, आप क्यू वन स्टेट पर ए और बी कुछ भी हो तो उसका लूप लगा दीजिए। सो नाउ इट इज DFA फॉर L5 लैंग्वेज। नेक्स्ट ये DFA L5 लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, वो सारी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हुई है। बट अगर क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाए कि ऐसा DFA डिजाइन करिए वो ऑल सारी स्ट्रिंग जिससे एक्सेप्ट हों जो ए से स्टार्ट नहीं हुई है, आपको L5 के कॉम्प्लीमेंट के लिए डिजाइन करना है। अभी ये L5 लैंग्वेज के लिए बना हुआ है, आपको डिजाइन करना है L5 का कॉम्प्लीमेंट। सो किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? यूनिवर्सल सेट माइनस L5। सो आपको डिजाइन करना है L5 के कॉम्प्लीमेंट के लिए, सो L5 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस L5। एंड सिग्मा स्टार माइनस L5 का मीनिंग क्या होगा कि ए प्लस बी का होल स्टार माइनस L5 लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज क्या होगी? वो सारी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हुई उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यूनिवर्सल सेट से, तो इट इज स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन बी 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 बी, ये L5 का कॉम्प्लीमेंट है। सर इसके लिए DFA आपको डिजाइन करना है L5 के कॉम्प्लीमेंट के लिए, कैसे डिजाइन होगा? आपने L5 के लिए जो डिजाइन किया है ये एक्सेप्ट कर रहा है वो सारी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हुई है। माय डियर, एक्सेप्टेंस कहाँ हो रहा है? फाइनल स्टेट पे। और रिजेक्शन कहाँ हो रहा है? नॉन फाइनल स्टेट पे। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होगा कि जो अभी एक्सेप्ट हो रहा है वो बाद में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, और जो अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है वो बाद में एक्सेप्ट होना चाहिए। और एक्सेप्टेंस कहाँ होता है? फाइनल स्टेट पे। तो क्या करना होगा इसके लिए? ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल कर दीजिए। सो फाइनल को नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल को फाइनल बना दीजिए। नाउ अब ये एक्सेप्ट कर रहा है L5 का कॉम्प्लीमेंट, वो सारी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट नहीं हुई है। कौन सी स्ट्रिंग है जो ए से स्टार्ट नहीं हुई? सर स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन, यस इनिशियल ही फाइनल है तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, स्मॉलेस्ट इज बी एंड बी फॉलोड बाय एनीथिंग, वो सारी स्ट्रिंग जो बी से स्टार्ट हो रही हैं वो भी एक्सेप्ट हो रही हैं। सो L5 लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन बी बी ए बी 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 ए बी, वो ऑल इनफाइनाइट स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट नहीं हुई वो सारी स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट हो रही हैं। सो नाउ इट इज द ये DFA L5 के कॉम्प्लीमेंट के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। L6 लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंड्स विथ ए। नाउ अब आपको एक DFA डिजाइन करना है वो सारी स्ट्रिंग जिससे एक्सेप्ट हो जिसकी एंडिंग किससे हो? ए से हो। तो देखिए, एंडिंग आपको ए से करनी है, स्टार्टिंग किसी से हो, एंडिंग किससे होनी चाहिए? ए से।
सर इट इज इक्वलेंस टू बिगिनिंग में कुछ भी हो सकता है बट एंडिंग किससे हो ए से. सो लास्ट एंडिंग इज ए, ए से पहले कोई भी स्ट्रिंग हो ए बी के कॉम्बिनेशन की, ये सारी स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट होनी चाहिए. तो एल सिक्स लैंग्वेज के अंदर क्या स्ट्रिंग होंगी, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ये एम्प्टी हो सकता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज ए ए ए, यहां से ए ए बी ए ए ए ए बी ए ए डॉट डॉट डॉट. मैंने आपको बताया जब भी लैंग्वेज इनफाइनाइट लैंग्वेज हो तो सबसे पहले किसके लिए डिजाइन होगा, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज स्मॉल ए. ये स्मॉल ए एक्सेप्ट कर रहा है बट ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इसके अंदर डेड मूव्स हैं. तो क्यू नॉट स्टेट पर अगर बी इनपुट हो तो बी के साथ हमें क्या करना चाहिए जिससे एंडिंग हमारी ए से होती रहे. देखिए अभी आपने ए अप्लाई किया है, अब क्यू नॉट पे बी अप्लाई करना है. अगर आप इस पे बी अप्लाई करके यहाँ भी रहते हैं तब भी एंडिंग क्या हो, एंडिंग किससे ए से हो रही है, एंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा. सो बी के साथ आप यहाँ सेल्फ लूप लगा दीजिए. सो क्यू नॉट पे ए बी दोनों डिफाइंड हो गए, क्यू वन स्टेट पर ए और बी डिफाइन करना है. देखिए अभी आपने स्मॉल ए अप्लाई किया है, स्मॉल ए क्यू वन स्टेट पर अगर आप ए अप्लाई करके करते हैं और ए अप्लाई करके अगर आप इसी ए अप्लाई करते हैं तब भी एंडिंग आपकी किससे हो रही है ए ए से. तो क्यू वन स्टेट पर ए के साथ आप सेल्फ लूप लगा दीजिए, अभी भी एंडिंग ए से ही हो रही है. बट इस स्टेट पर अगर बी इनपुट आ जाएगा तो बी के साथ आपको यहाँ नहीं रुकना है, जैसे ही बी आ जाए प्रीवियस स्टेट पर आ जाइए जिससे एंडिंग आपकी ए से बनी रहे. सुनाओ ये डी एफ ए, इस पर सारे मूव्स डिफाइन हो गए, कोई मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं है, इट इज़ फॉर एल सिक्स लैंग्वेज. अगर आपको एल सिक्स के कॉम्प्लीमेंट के लिए डिजाइन करना है, ऐसा डी एफ ए डिजाइन करिए जिससे वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हों जिसकी एंडिंग ए से नहीं हो वो सारी एक्सेप्ट हों. तो एल सिक्स का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, सिग्मा स्टार माइनस एल सिक्स. सर व्हाट इज सिग्मा स्टार, ए कॉमा बी का होल स्टार माइनस एल सिक्स. सो एल सिक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वो सारी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट नहीं हो रही हैं, ए से सॉरी ए पे एंड नहीं हो रही, तो स्मॉलेस्ट इज एप्सिलॉन एंड बी ए बी 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 डॉट डॉट. सर इसके लिए कैसे डिजाइन होगा, इसी डीएफए में अभी जो एक्सेप्ट हो रहा है कॉम्प्लीमेंट के बाद वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए और अभी जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कॉम्प्लीमेंट के बाद वो एक्सेप्ट होना चाहिए. और एक्सेप्ट कहाँ होता है, फाइनल स्टेट पे, और रिजेक्ट कहाँ होता है, नॉन फाइनल स्टेट पे. आपको क्या करना है, फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट, फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल बनाना है. तो फाइनल को नॉन फाइनल कर दीजिए और नॉन फाइनल को फाइनल कर दीजिए. अब ये डी एफ ए एल सिक्स के कॉम्प्लीमेंट के लिए डिजाइन हो गया. देखिए स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन बी, बी की कोई भी स्ट्रिंग एंड ए बी, वो सारी स्ट्रिंग जो ए पे एंड नहीं हो रही सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी. सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा जो कंटेन सब स्ट्रिंग ए को कंटेन कर रहे हैं, आपको उसके लिए डी एफ ए डिजाइन करना है. सो देखिए अब सब स्ट्रिंग है एंड सब स्ट्रिंग का मीनिंग कंजुगेटिव सिंबल्स टेकन फ्रॉम ए वर्ड. तो सब स्ट्रिंग ए स्टार्टिंग में भी हो सकती है, लास्ट में एंड मिडिल में भी. देखिए ए के लेफ्ट में कुछ हो सकता है, राइट में भी कोई स्ट्रिंग हो सकती है. सर ए बिगनिंग में हो सकता है, एंडिंग में कोई भी स्ट्रिंग, ए लास्ट में हो सकता है. इन सारे केसेस में देखिए सब स्ट्रिंग ए है, ये लास्ट में है, बिगनिंग में है और मिडिल में है. तो इसके लिए आपको लैंग्वेज डिजाइन करना है. तो देखिए L7 लैंग्वेज के लिए सबसे पहले आप लैंग्वेज निकालिए कि लैंग्वेज क्या है.
तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी जिसमें सब स्ट्रिंग ए है, इट इज ए. नेक्स्ट ए ए ए बी बी ए ए ए ए बी ए बी ए बी ए डॉट डॉट डॉट. ये L7 लैंग्वेज. और L7 इट इज़ इनफाइनाइट लैंग्वेज. और मैंने आपको बताया है कि जब भी लैंग्वेज इनफाइनाइट हो तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए डिजाइन करेंगे एंड देन इसके बाद डेड मूव्स को रिमूव कर देंगे. तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज स्मॉल ए एंड क्यू नॉट स्टेट पर स्मॉल ए के साथ फाइनल स्टेट. ये ऑटोमेटा स्मॉल ए को एक्सेप्ट कर रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इस पर आपको बी डिफाइन करना है, इस पर ए बी डिफाइन करना है. तो क्यू नॉट स्टेट पर बी के साथ क्या किया जाए जिससे सब स्ट्रिंग आपकी ए एक्सेप्ट हो, इस पर कोई फर्क ना पड़े. तो देखिए अभी ए है, अगर बी क्यू नॉट पर बी अप्लाई करके आप इसी स्टेट पर रहते हैं तब भी सब स्ट्रिंग क्या है, स्मॉल ए. तो बी के साथ सेल्फ लूप लगा दीजिए. नाउ क्यू1 स्टेट, क्यू नॉट पर ए इनपुट अप्लाई किया, नेक्स्ट इज क्यू1 स्टेट एंड क्यू1 इज फाइनल स्टेट. और ए इनपुट तो आपने अप्लाई कर लिया है तो सब स्ट्रिंग ए तो हो गया है, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो अब आप सेल्फ लूप लगा दीजिए ए बी का. सो ये DFA एक्सेप्ट कर रहा है वो सारी स्ट्रिंग्स जिसमें सब स्ट्रिंग स्मॉल ए. नाउ L7 का कॉम्प्लीमेंट. सर आपको ऐसा DFA डिजाइन करना है जो इस L7 लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट हो. कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारी स्ट्रिंग जिसमें सब स्ट्रिंग ए ना हो वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो और जिसमें सब स्ट्रिंग ए है वो सारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ L7 इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस L7. सो इट इज एप्सिलॉन L7 का कॉम्प्लीमेंट ये लैंग्वेज. तो आप इस DFA का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, वो L7 के कॉम्प्लीमेंट के लिए हो जाएगा. DFA का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल बना दीजिए. सो इसको फाइनल और फाइनल को नॉन फाइनल. अब ये जो DFA बना हुआ है ये L7 के कॉम्प्लीमेंट के लिए है. नाउ इट इज फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ L7. दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल and press the bell icon for more updates. Thank you.